बहुत ही मजेदार डिश, यस यम्मी। चले जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस नुमान, अल्लाह हाफिज। ओके, देखिए टमाटर मैंने डाले, जब मैं ये वाली यूज कर रही हूँ तो दे जस्ट श्रिबलिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड इसका रंग, आई लव द कलर। यस, मैं इसीलिए उठ कर आ गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शर्मिन, ये आपके ये बहुत एफर्ट्स हैं जो आप इस यहाँ पर इस यानी कि छोटे से अरीना में प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास ब्रेक का टाइम आ गया है, मैं इसको एक मिनट साइड पे कर देती हूँ, और बाकी चीजें मैं ब्रेक से, मुझे पता है, मुझे भी इजाजत चाहिए होगी। आप लोग सब प्लीज एक्सपो सेंटर पे, हमारा अभी मसाला फूड कोर्ट चल रहा है, जैसे आप सबको मालूम है, ताहिर साहब अभी वहाँ जा रहे हैं और वो लाइव कुकिंग कर रहे होंगे, तो अगर आप करीब हैं, टाइम है, भाग के जाएं एक्सपो सेंटर एंड वॉच हिम कुक लाइव। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड लक, एंड थैंक यू फॉर ऑल द वेरी नाइस थिंग्स, एंड प्लीज एनीथिंग एट ऑल एवर। गुड लक, हमारी दुआओं में आप इसी तरह प्रोग्राम करती रहें, और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू ताहिर साहब, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, हमारे पास ब्रेक का टाइम आ गया, आप लोग झटपट एक ब्रेक पे जाएं, डोंट स्विच द चैनल, वी विल जस्ट बी बैक। क्रिस्पी फिश विद स्वीट एंड सॉर सॉस, बेबी रेड स्नैपर एक, तेल तलने के लिए कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च हसबे जायका, गोलाई में कटी गाजर और लंबाई में कटी हरी प्याज एक एक अदद, कटी हरी मिर्चें आधी, ताजा धनिया ब्लैक पेपर टू टेस्ट, 1 कैरेट कट जूलियन, 1 ग्रीन अनियन कट लेंथवाइज, 1/2 ग्रीन पेपर कट जूलियन, फ्रेश कोरिएंडर टू गार्निश, थाई रेड चिली 1 कट लेंथवाइज, स्वीट एंड सॉर सॉस, गार्लिक 3 क्लोव्स चॉप्ड, ginger 1 inch piece grated, vegetable oil 2 teaspoon, sugar 2 tablespoons, vinegar 1 tablespoon, green sauce 1 finely chopped, fish sauce 1 tablespoon, tomato paste 1.5 tablespoon, cherry tomatoes 200 grams, water 4 tablespoons, salt to taste, black pepper to taste. Welcome back after the break. You're watching Flavors and it's our 100th episode. Tahir Saab was with us, he just left. अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले let me do a quick recap. मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ जिंजर, देन आई एडेड अबाउट 3 ग्रीन अनियंस बिल्कुल बारीक कटे हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर, अच्छा देन आई एडेड चेरी टमाटोज ऑब्वियसली, नाउ आई एम गोना ऐड सम शुगर व्हिच आई वाज जस्ट एडिंग, आई एम गोना ऐड अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ फिश सॉस, ठीक है, उसके अलावा आप इसके अंदर डालेंगे सिरका, एंड जस्ट गिव इट अ टॉस, एंड टमाटो पेस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट सम टमाटो पेस्ट, प्लीज नो केचप, डू नॉट यूज केचप इन योर फूड, देयर वी गो। अच्छा, नाउ हाउ डू यू बैलेंस फ्लेवर्स, राइट, सो बेसिकली दिस इज स्वीट एंड सार, एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर मैंने फिश सॉस अकाउंट्स फॉर सॉल्टीनेस, रिमेंबर दैट, इन थाई फूड फिश सॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लवली फ्लेवर, स्वीट सार, ओके इट्स परफेक्ट, आई डोंट नीड टू एड एनीथिंग मोर, एंड यहाँ आपका सॉस बिल्कुल तैयार हो गया, आई एम जस्ट गोना ऐड अ लिटिल वाटर, अगर आपको लगे कि आपको, यहाँ तो मेरे पास गाढ़ा सॉस है, अगर आपको लगे कि पतला है एंड यू वांट टू थिकन इट, तो आप बेशक इसके अंदर एक स्लरी बना के कॉर्न स्टार्च का, कॉर्न फ्लावर, थोड़ा सा पानी का स्लरी बना के शामिल कर सकते हैं। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय नया टैंक पाइनएप्पल हाईवे ओवरकुक्ड, रिमेंबर इन थाई फूड, इन चाइनीज फूड, इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू डोंट ओवरकुक, अगर आप ओवरकुक करेंगे तो खाने का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब मैं इसके अंदर ये जूलियन कीवी, जो ग्रीन पेपर है एक, वो मैं शामिल करूँगी, एंड लेट्स टर्न द हीट ऑफ, देयर इज इनफ हीट इन द पैन, ठीक है, अब इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे गाजर, ऐड एक गाजर को आप लेके लेंथ वाइज, या तो जूलियन काट लें या लेंथ वाइज काट लें, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट एक चीज़ याद रखें, जो भी सब्जी आप काट रहे, इफ़ यू आर कटिंग वन लेंथ वाइज, दी अदर वन शुड ऑल्सो बी लेंथ वाइज, दैट्स द मेन थिंग अबाउट चाइनीज फूड, कि जो वेजिटेबल्स आपके होते हैं वो एक ही तरह के होने चाहिए, मतलब एक ही स्टाइल से कटे हुए होने चाहिए, अदरवाइज इट डजंट लुक गुड, सेम थिंग इन अ सैलेड, यू गॉट टू इंश्योर दैट आप सैलेड में भी अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स काटें, सो दैट योर डिश इन द एंड लुक्स वेरी प्रिटी, बेसिकली दीज आर लाइक मैच स्टिक्स,
going to slice this one in half. Mariam ki call hai Karachi se. Mariam se baat kar lete hain. Hello, assalam alaikum. Walaikum assalam. Kaisi hain aap Mariam? Main bilkul theek thaak. Aap sunaye? Bilkul theek thaak, alhamdulillah. मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी. जी जरूर. मुझे ऑरेंज केक बनाना सिखा दें. ऑरेंज केक, मैं आपको एक बात बता दूं, शुगर एंड स्पाइस सीजन 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत जल्द ऑन एयर होएगा और उसके अंदर मैंने ऑरेंज केक और ऑरेंज कपकेक दोनों बनाए हुए हैं. तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, आपको सही डिटेल्ड रेसिपी शुगर एंड स्पाइस सीजन 2 में मिल जाएगी. ठीक है, आज के सवाल का जवाब दे दें मरियम. मेरे ख्याल से 16 जुलाई. Okay. आपका जवाब हमने नोट कर लिया है. अगर आपका जवाब सही हुआ, यू नो वी हैव अ वाउचर फॉर द शेरेटन, तो अगर जवाब सही हुआ मैं आपको जरूर दे दूंगी. उसके अलावा मैगजीन भी है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मरियम. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट, सो आवर सॉस इज नाउ कम्प्लीटली रेडी. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू स्टार्ट विद जो हमने ऑमलेट बनाना है, विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर थाई फ्राइड राइस. ठीक है, ऑमलेट के लिए आप क्या करेंगे, यू बेसिकली गोइंग टू टेक 3 eggs, यू गोइंग टू विस्क देम अप एंड अलग से आप एक ऑमलेट बनाएंगे. ठीक है, सेपरेट में नहीं कर रही, यू आर जस्ट गोइंग टू बीट इट अप टुगेदर. हमेशा कुकिंग में जब भी आप अंडे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रिमेंबर यू मस्ट ऑलवेज यूज एग्स दैट आर एट रूम टेम्परेचर. फ्रिज के ठंडे अंडे मत इस्तेमाल किया करें. बख्तावर की कॉल है कराची से, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू, थैंक यू. आज के सवाल ऐसे ही 500 एपिसोड पूरे करें. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आज के सवाल का जवाब जून. ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है. कोई फरमाइश? जी नहीं, बस आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और मैं हर दफ़ा ट्राई करती हूँ, लेकिन आज मेरी कॉल मिल गई है. चले, आई एम सो हैप्पी बख्तावर, थैंक यू. अगर आप फेसबुक पे, प्लीज़ हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी रेसिपीज मिल जाएंगी. ठीक है, ठीक है. थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज. Alright, I'm just whisking up these eggs. याद रखिए, जब भी आप अंडे की जर्दी और सफेदी साथ फेंच रहे होते, never overbeat and generally also never overbeat the eggs. Eggs have elasticity. इसमें अपने अंदर इसकी जो property होती है, it's called elasticity. When you overbeat it, you lose the elasticity of the egg. So never overbeat. There we go. Alright, I'm just gonna season this with, where is my salt? Where does salt go? All right. Dash of salt. Uske alawa, a dash of black pepper. That's it. So, yahan rakh dete hain. Whisk, whisk, whisk. अच्छा, अब जो थाई फ्राइड राइस है उसके लिए मैंने चावल पहले से उबाले हुए थे, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ. बेसिकली जब भी आप कोई फ्राइड राइस बना रहे होते हैं, आप खुद घर में ही अपना के देखें एंड यू सी देयर बी अ डिफरेंस. चावल ठंडे इस्तेमाल कीजिए, उसी वक्त ताज़े उबले हुए चावल का स्टर फ्राई मत बनाएं. आप चावल पहले से उबाल के थोड़ा ठंडा करके लेट इट ड्राई एंड लेट ऑल द वाटर गो अवे बेसिकली, और आपने उसको ओवर कुक नहीं करना है. एक कनी तक आपने उसको कुक करना है, ओवर कुक नहीं करेंगे. ठीक है, एंड बेसिकली पुट इट इनटू द फ्रिज ओवरनाइट. ये देखें, आपको ऐसे खिले हुए चावल मिलेंगे जहाँ एक एक दाना अलग होगा. अगर आपने चावल को फ्रेशली बॉइल्ड इस्तेमाल किया, चांसेस आ कि चावल टूट जाएगा. मेन थिंग इज द चावल शुड लुक वेरी नाइस. अच्छा, उसके अलावा आनी की कॉल है हमारे साथ दुबई से. आनी से बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप आनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कहूँगी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी 100th एनिवर्सरी ऑफ योर शो. थैंक यू सो मच आनी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. कोई फरमाइश? नहीं, कोई फरमाइश नहीं, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी वो चॉकलेट डिशेज को तो मैं अगर नहीं कर सकती कुक, जो बाकी करती हूँ तो उसमें से थोड़े से टिप्स ले लेती हूँ. तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ बना लेते हैं, तभी शोज में की फरमाइश की जरूरत नहीं है. चले जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम सब बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी भी फरमाइशें हो, जितनी भी ऐसी रेसिपीज हो जो घर पर आसानी से बन जाए, वो रेसिपीज हम शेयर करते हैं. अच्छा, शमीन, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, एक तो पहले आपके आंसर देना चाहूँगी. इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई व्हेन योर शो वाज ऑन एयर. ओके.
और एक बार मैं पूछना चाहूँगी कि व्हाट यू सजेस्ट अबाउट द फिश, कि आपके ख्याल में कौन सी फिश जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है फ्राई करने में, कुक करने में, और जो दुबई में भी अवेलेबल हो, नॉट फ्रोजन, फ्रेश फिश में? फ्रेश फिश, अच्छा. अब नाउ बेसिकली मैं यहाँ जब फ्राइड फिश लोकली जो फिश पाकिस्तान में यूज़ करती हूँ, आई यूज़ बेकटी, बिकॉज हमारे पास बेकटी, आई फाइंड इट टू बी माई फेवरेट फिश एंड द टेस्टीएस्ट फिश. ठीक है, बट फ्राइड फिश के लिए अगर आपको कॉड मिले, कॉड इज़ वेरी गुड, बट यू चांसेस आर इन दुबई आपको फ्रोजन कॉड मिलेगी, फ्रेश नहीं मिलेगी, इट्स नॉट अ वार्म वाटर फिश. ठीक है, उसके अलावा आप बेसिकली वाइट सामन यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ व्हाट वी कॉल सुरमई. अ प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट नो व्हाट यू गोना फाइंड देयर. कैन आई लुक दिस अप? आप फेसबुक पे प्लीज मुझे मैसेज एक दफा कर दो, आई एम गोना लुक इट अप एंड आई गिव यू एन एग्जैक्ट आंसर. या आई मीन मैंने आपका ग्रुप भी ज्वाइन किया है और पेज भी, एंड आई डेफिनेटली ज्वाइन देयर कि आपको मैं कुछ वहां पे कर सकूं एंड आई आंसर मिले. ठीक है, आप मुझे वहां एक दफा मैसेज कर दो, सो आई विल चेक अप फॉर यू एंड आई गेट बैक टू यू, बिकॉज़ जो कराची में अवेलेबल है, आई एम नॉट 100% श्योर दैट इट्स सोल्ड आउट द सेम नेम एंड द सेम वैरायटी इज अवेलेबल देयर, सो आई डोंट वांट टू मिसलीड यू. ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग एनी, अल्लाह हाफिज. ब्रेक का टाइम. Why there's so many breaks in the show? चलें आप लोग झटपट एक ब्रेक ले जाएं, मैं जल्दी से यहाँ ऑमलेट ट्राई कर रही हूँ. आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग एल्स, वी विल जस्ट बी बैक. स्पाइसी थाई फ्राइड राइस, उबले चावल एक कप, ड्राइड मशरूम्स पाँच, बेबी कॉर्न एक कैन, छोटे झींगे 250 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, अंडे 3, कटी प्याज 1, कटी लहसुन 3 जवे, कटी हरी मिर्चें 1, चिकन ब्रेस्ट 1, फिश सॉसी थाई फ्राइड राइस 1 कप, लॉन्ग ग्रेन राइस बॉइल्ड कूल्ड एंड रेफ्रिजरेटेड, ड्राइड मशरूम्स 5, बेबी कॉर्न 1 कैन, 250 ग्राम स्मॉल प्रॉन्स डीवियन, 3 टेबल स्पून ऑयल, 3 एग्स स्लाइटली बीटन, 1 अनियन चॉप, 3 क्लोव्स गार्लिक चॉप, 1 ग्रीन पेपर चॉप, 1 चिकन ब्रेस्ट फिले कट इंटू थिन स्ट्रिप्स, 1 टेबल स्पून फिश सॉस, 1 टेबल स्पून रेड करी पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून सोय सॉस, फ्रेश करियंडर 3 टेबलस्पून्स, ग्रीन अनियन 1 चॉप्ड, फिश फ्लॉस टू गार्निश. Welcome back after the break. You're watching Flavors. And break pe jaane se pehle, I'll just tell you the sauce for the fish is absolutely ready. Ye sauce hai that we've got ready with our cherry tomatoes along with green onions. There's some green peppers, gajar. Uske alawa, iske andar maine fish sauce, vinegar, tomato paste, sugar. ये शामिल किए हैं, एंड यू हैव टू बैलेंस द फ्लेवर यूजिंग द फिश सॉस. उसके अलावा शुगर एंड विनेगर, इन तीनों चीज़ों के साथ आपको फ्लेवर राइट लेना है. यू गॉट मेक श्योर दैट इट्स राइट फॉर यू. यू वांट टू मेक इट अ लिटिल स्पाइसी, यू कैन ऐड प्रेशर एक्चुअली टू इट एज वेल. यहाँ मैं तेल रख देती हूँ फॉर द फिश, और शुड वी स्टार्ट विद आवर राइस? आई थिंक वी विल डू द फिश फर्स्ट. यहाँ अ लॉट ऑफ ऑयल बिकॉज इट्स गोना बी डीप फ्राइड फिश, रिमेंबर, सो नीड अ गुड अमाउंट ऑफ ऑयल. Now that's where a lot of oil gets used, yeah. Probably going half a liter of oil going in here. Well, no, a liter of oil going in there. There you go. Very essential. Achha, ek cheez, machli jis tel mein aap fry karte hain na, please us tel mein aur kuch mat fry kijiyega. Sirf machli fry kare. Okay? Nigat ki call in New York se, Nigat se baat kar lete hain. Hello, assalam alaikum. वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है. काफी दिनों से देख रही हूँ आपका प्रोग्राम, और आपको मुबारक हो 100th episode. थैंक यू सो मच. और वो मैंने आपके छोले और वो बनाए थे आलू ना, खट्टे, जो खट्टे आलू, जी जी जी, वो बनाए थे और पसंद आए सबको ना. आपको कैसे लगे रेसिपी? बहुत बहुत अच्छी लगी, और मैं नोट करती रहती हूँ, आज तक बनाती रहती हूँ. चलिए, वेरी गुड.